एवरीवन वेलकम टू ग्लैमरस रिव्यू पॉइंट। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ आयरन कढ़ाई की, जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगवाई है। काफ़ी अच्छी मुझे लगी है इसको देखने के बाद। इसके जो साइज़ वगैरह था मुझे अच्छा लगा है, और पहले भी मैंने यूज़ किया है आयरन कढ़ाई। ये मेरी फ़र्स्ट टाइम का नहीं है एक्सपीरियंस, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। तो वही है ना कि पहले की चीज़ वो कितनी चलती है, और फिर पहले की चीज़ें हम लोग मतलब ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं तो वह एक्सेस हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो कुछ न्यू ट्राई किया जाए आयरन कढ़ाई में। तो मैंने ये अमेज़ोन से ये प्रोडक्ट्स मंगाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसका डेमो और इसका जो रिव्यू है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके फ़ीचर्स वगैरह। तो आप सभी को पता होगा कि आयरन कढ़ाई जो है हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होती है। नॉनस्टिक पे तो हम लोग पका लेते हैं उसे तेल में, लेकिन वो ये कहना कि अगर नॉनस्टिक का जो स्टिकनेस जब होने लगे और उसका जो नीचे की लेयर जो छूटने लगे तो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाता है, तो उससे हमें कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए आयरन कढ़ाई हमारे लिए बेस्ट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी आप ग्लोइंग देख लें, काफ़ी कितना ज़्यादा ये ग्लो कर रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें आप पता है इतनी कैपेसिटी है कि ये 6-7 आदमी का खाना इसमें बन जाएगा आराम से, इजली जो है ये 6-7 के जो पर्सन के खाने जो ये बन जाएंगे। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ इतनी डस्ट है इसके अंदर। अभी इसे मैं अच्छे से वॉश करूँगी, तो सबसे पहले मैं इसमें सरसों के तेल और नमक से इसे इसके लेयरिंग जो है पोंछ दूँगी जिसकी गंदगी, उसके बाद मैं अच्छे से वॉश करूँगी। और ये काफ़ी हैवी है, मैं ये भी दिखा रही हूँ काफ़ी हैवी, और इसके हैंडल भी काफ़ी जो है वो क्या बोलते हैं हैवी है हैंडल भी, और कितने अच्छे इसके स्क्रू भी टाइट हैं, और मतलब बहुत ही अच्छी है। अगर आप लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं। इसका प्राइस और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैंने इसे यूज़ भी किया, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इससे मैंने यूज़ भी किया है। और हाँ, सबसे ज़्यादा हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब कढ़ाई में कुछ भी बनाना चाहिए उसके बाद ही गरम गरम कढ़ाई को हमने नल के नीचे टैप के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी से क्या होता है जंग लग जाता है और इसका जो नीचे का लेयर होता है जो पेंदा जिसे बोलते हैं वो हल्का हो जाता है, जिससे कि क्या होता है इसमें छेद वगैरह होने का और जंग लगने का डर रहता है, जैसे हम रस्ट कहते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ही इसे यूज़ करके फौरन ही इसको साफ़ कर देना चाहिए। वेलकम टू ग्लैमरस रिव्यू पॉइंट। यहाँ पर मैंने आपको इस कढ़ाई का डेमो दिया था, तो अब मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। कि देखिए टोमेटो वाली चीज़ भी मैं इसमें बना रही हूँ, और आयरन की कढ़ाई हमारे लिए कितनी हेल्पफुल होती है, कितनी हेल्पफुल होती है ये आप सब देख ले। और इसमें खाना बिल्कुल भी स्टिक नहीं होता, सबसे बड़ी चीज़ ये है, और आप देख रहे हैं इसलिए मैं रिव्यू दे रही हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार हमारी अम्मियों ने, काफ़ी बार हम लोगों के घर वालों ने इसी कढ़ाई को जो है यूज़ किया होता है, और मैंने भी यूज़ किया था। तो मैंने सोचा जो मैंने दोबारा इस कढ़ाई को लिया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो देखिए मैं इसमें कुकिंग भी कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इसे जा करके ऑर्डर कीजिए। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी विथ प्राइस। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार आप लोगों को मैं दिखा दूं। और यही है मेरा चीकू हक का सेट, मतलब कुकिंग का जो मेरा चैनल है। जो देखना चाहते हैं मेरे चीकू हक के कुकिंग वीडियोस को तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर जो सेकंड चीज़ ली है वो है, मैंने मीशो से अपनी बैंगल्स ली हैं। मीशो से मैंने ऑर्डर किया था ये इन बैंगल को, बट अब मैं ओपन कर रही हूँ, आप ख़ुद देख लेना कि ये कैसा प्रोडक्ट है। आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आप लोगों को कैसा लगा जो ये मैंने ऑर्डर किया है, उसके बाद आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं सच कहूँ कि मुझे बिल्कुल भी, जब मैंने खोला तो मैं सरप्राइज्ड हो गई कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये मैं पहले एडिट करके मैं वीडियो बना के रख देती हूँ, बाद में मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो इसलिए मुझे तो पता ही चल गया था कि कैसा ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पर मैं इस पॉलीथीन को जो है वो उसका वॉइस निकाल रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसको करने से, मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। किसको इसको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मैं रैपर हटा दी हूँ और आप खुद देख लीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। मतलब मैंने जो कलर दिया था वो कलर भी नहीं आया। तो यही है मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर मुझे कोई प्रोडक्ट्स मेरे मुताबिक नहीं मिलेगा तो मैं उसका सच्ची सच्ची जो है रिव्यू दूंगी, क्योंकि मुझे ये कलर भी नहीं पसंद था, लाइट कलर मुझे चाहिए था डीप कलर, और मैंने रेड कलर का ऑर्डर दिया था, मैंने रेड कलर को बोला था। और ये देखिए कितना गंदा सा जो है पिंक कलर मुझे जो रिसीव हुआ है। और ये देखिए अब मैं रिसीव सॉरी मैं इसको वापस नहीं कर रही हूँ, बट मैं रख ले रही हूँ, अब मैं वापस वगैरह नहीं करूँगी इसको। लेकिन ये वेलवेट भी जो इसकी ऊपर की ना वो कितनी गंदी सी हो रखी है, और मेरा तो बिल्कुल मूड ही ख़राब हुआ क्योंकि मैंने रेड कलर का ऑर्डर दिया था, मुझे रेड कलर काफ़ी पसंद है, मुझे इस तरह से फीके कलर या डल कलर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मेरा तो मूड पूरा ही ख़राब हो गया। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस पर बैंगल्स हैं, मैंने गिनी थी शायद 149 के करीब या कुछ थी इसमें, मैं देख लूँगी इसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल सो बिल्कुल लगा है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये बैंगल्स तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि है नहीं आप लोगों को ये कलर तो ठीक है, लेकिन कलर थोड़ा ब्राइट या फिर थोड़ा न्यू होना चाहिए, मुझे काफ़ी पुराना टाइप का लगा। और ये वेलवेट भी गंदी सी थी, और अंदर जो है इसके मैं पहले सोच रही थी कि ये कांच का होगा, बट ये कांच का नहीं, ये मेटल का है। और हाँ, मैंने लेने से पहले देखना चाहिए था कि ये मेटल का है, मेटल ही का था, लेकिन मैं फिर कंफ्यूज हो गई कि हो सकता है ये अंदर शीशे का हो, बट ये सेफली रहा कि ये मेटल का था। ये चीज़ इसमें अच्छी थी कि इसको पहनने में अगर टूट टूट भी जाए तो ये मतलब प्रोडक्ट का नुकसान नहीं होगा, ये हम लोग पहन सकते। और मैं दिखा रही हूँ इसमें कुछ फेड टाइप का भी है, तो इसलिए बस मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा। Your fingers.